hello students welcome to the revision session of the chapter ap now we are going to revise the chapter ap first of all we will understand what is ap this can be understood by this diagram in this diagram in the first column there is only one coin in the next there are three coins and in the next there are five coins and in the next there are seven coins it means two coins are increasing in नेक्स्ट कॉलम्स एंड इन इसी तरह से ए पी में होता है जिस तरह से ये टू टू प्वाइंट्स बढ़ रहे हैं इसी तरह से ए पी में होगा जैसे ये एग्जाम्पल्स देखो ए पी की फोर सेवन टेन थर्टीन एंड सिक्सटीन तो इसमें क्या है जो फर्स्ट नंबर है वो है फोर नेक्स्ट नंबर थ्री ऐड करके आया उससे नेक्स्ट नंबर थ्री ऐड करके आया उससे नेक्स्ट नंबर थ्री ऐड करके आया है ठीक है तो इससे ये क्या है ए पी बन गई है तो इसमें क्या है ये इंक्रीजिंग है जिसमें नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ठीक है नेक्स्ट नंबर जो आएगा पिछले नंबर में थ्री प्लस करके आएगा ठीक है और उसमें नेक्स्ट क्या है देखो अब नेक्स्ट में क्या है जो फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर भी फोर है नेक्स्ट नंबर भी फोर है उससे नेक्स्ट नंबर भी फोर इसमें क्या है कि जो हम नेक्स्ट नंबर कर रहे हैं उसमें ज़ीरो प्लस कर रहे हैं ठीक है तो इस तरह से भी ए हो सकती है इसमें क्या है हमारा जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है ए में क्या होता है कि जो भी दो टर्म्स का डिफरेंस होता है वो सेम होता है जैसे इसमें फर्स्ट वाले में भी थ्री था इसमें भी थ्री था इन दोनों में भी थ्री का डिफरेंस था इन दोनों में भी थ्री का डिफरेंस था का है। और इसमें क्या है डिफरेंस इन दोनों का जीरो है इन दोनों का जीरो है और नेक्स्ट इन दोनों का जीरो है इट मीन्स हमारा जो डिफरेंस है वो ज़ीरो भी हो सकता है अब लास्ट वन देखें तो टेन एट सिक्स फोर इसमें क्या है कि टू टू नंबर्स कम हो रहा है इसका मतलब यहाँ जो डिफरेंस है वो माइनस में है जो डिफरेंस है वो माइनस में है जैसे हम यहाँ पे इस नंबर में हम माइनस टू ऐड कर रहे हैं तो एट बन रहा है इस नंबर में हम माइनस टू ऐड कर रहे हैं तो सिक्स बन रहा है इस नंबर में हम माइनस टू ऐड कर रहे हैं तो फोर बन रहा है इसी नंबर में, में हम माइनस टू ऐड कर रहे हैं तो टू बन रहा है इसी में हम माइनस टू ऐड कर रहे हैं तो ज़ीरो बन रहा है ठीक है तो इस तरह से जो डिफरेंस है वो इस केस में नेगेटिव है इस केस में जीरो है और इस केस में पॉजिटिव है अब इसमें जो इसकी जो टर्म है जो मेन क्वेश्चन में यूज होता है ए ए क्या है फर्स्ट टर्म ठीक है जैसे इसमें फर्स्ट टर्म फोर है फोर है इसमें टेन है जो लिस्ट में फर्स्ट नंबर होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं और ए से डिनोट करते हैं नेक्स्ट में आ गया डिफरेंस डिफरेंस क्या है जैसे इसमें थ्री थ्री प्लस होके आ रहा था इसमें जीरो जीरो प्लस होके आ रहा था इसमें माइनस टू तो इसको हम डी से डिनोट करते हैं डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स अब इसके जनरल फॉर्म निकाल लेते हैं कि हम अगर सीधा ही निकालनी हो कि एनथ टर्म एनथ टर्म मतलब की टेंथ टर्म निकालनी है या फिफ्टींथ टर्म निकालनी है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है इसमें हमें जरूरी नहीं है कि सारी टर्म्स निकाल हम डायरेक्टली कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इसको जनरलाइज कर देते हैं ये देखो ए वन इज इक्वल टू ए तो क्या है फर्स्ट नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं सेकेंड नंबर सेकेंड उसमें सेकेंड टर्म बोलते हैं एक्चुअली सेकेंड टर्म कैसे आएगी फर्स्ट नंबर में डी प्लस करके तो ए प्लस डी हो गया थर्ड क्या आएगी इसमें एक और डी प्लस हो जाएगी जब ए प्लस डी प्लस डी हो जाएगा तो ए प्लस टू डी हो जाएगा मतलब कि फर्स्ट नंबर में हम दो बार डी प्लस करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म में तीन बार डी प्लस करना पड़ेगा और इसी तरह से अब हमारे पास एनथ टर्म निकल जाएगी कि एनथ टर्म कैसे निकलेगी कि अगर हम फर्स्ट नंबर में एन माइनस वन डी प्लस कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया डायरेक्टली हम कोई भी एन की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं निकाल सकते हैं जैसे हमने एन की वैल्यू अगर टेन पुट कर दी तो हमारा टेंथ टर्म आ जाएगी इसी फार्मूले में हमने टेन की वैल्यू फिफ्टीन पुट कर दी तो फिफ्टीन टर्म आ जाएगी और आगे नेक्स्ट फॉर्मूला है एस एन का तो ये एस एन का क्या है कि अगर हमने सम निकालना है ये हमारे पास टर्म निकालने के लिए ये सम निकालने के लिए कि, कि पहले टेन टर्म्स का अगर हमने सम निकालना है तो इसके ये दो फॉर्मूले हैं ठीक है थीके? एक एनोवर टू ए प्लस ए एन तो एन को हम एल से भी कई बार क्वेश्चन में डिनोट किया होता है तो एनोवर टू ए प्लस एल तो इस तरह से ये तीन मेन फार्मूलेज हैं और ये उनकी नोटेशन है ये सारी आपने अंडरस्टैंड करनी है और अगर ये आपको ये तीन फॉर्मूले याद हो तो हर एक क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला लगना है तो इसलिए बड़ा सिंपल चैप्टर है आप ये करोगे